गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू टॉपिक आरटीआई। अंडर आरटीआई एक्ट टॉपिक वी विल कवर सब टॉपिक पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। फर्स्ट पॉइंट इज पीआईओ मस्ट बी डेजिग्नेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट बाय एवरी पब्लिक अथॉरिटी एट द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसर्स अंडर इट। हूँ पीआईओ की है, पीआईओ जो डेजिनेट किया जाता है भी किसी भी परसन किसी भी आप कह सकते हैं भी डाउट है कोई भी इनफॉर्मेशन चाहिए तो उसने किस को जाना होंगे एट वेरी फस्ट पीआईओ को। दैन असिस्टेंट पीआईओ मस्ट बी डेजिनेटेड एट द सब डिविजनल और सब डिस्ट्रिक्ट लैवल विद द इमीडिएट इफेक्ट बाय द पब्लिक अथॉरिटी। पीआईओ इनकलूड्स ए पीआईओ इन द कंटेक्सट ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ दिस लॉ। हूँ पीआईओ दे देखो की होंगे भी अपन किसी भी तरह की इनफॉर्मेशन चाहिए तो अपने विद इन 30 डेज़ पीआईओ को जाना है। ठीक है, ऑडिट जे विद इन 30 डेज़ पीआईओ जोड़ा अपन की कर रहा है कोई भी सल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, मीनस अपन कोई इनफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा या फिर जो इनफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो ट्रू वे नहीं दे रहा तो आप कर सकते हैं ए पीआईओ को जा सकते हैं। ए पीआईओ की इतने एपीलेट पब्लिक इनफॉर्मेशन ऑफिसर। जेकर अपन ए पी आई ओ भी सैटिस्फाइड इनफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा या फिर की कर रहा इग्नोर कर रहा अपनी जो आर टी फाइल की है, फिर आप जो दो कमिश्नर बने ने सेंट्रल या स्टेट कमिश्नर जिन्हें अंडर आप कह सकते हैं भी फरदर अथॉरिटी एक्टिव बॉडीज़ ने अपना गल की ना सेंट्रल इनफॉर्मेशन कमिश्नर, इनफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट इनफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इनफॉर्मेशन कमिश्नर, तो विद इन 90 डेज़ आप इन्हों को आर टी जो फाइल कर सकते हैं। बट इन केस की हो जाता है भी जे आप गल करिए किसी परसन की लाइफ के रिलेटेड है ना, लाइफ एंड लिबर्टी के रिलेटेड है कोई, तो उसनों की करना होंगे 48 आवर्स इन अंडर इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होंगी है। गॉट इट, तुम्हें सिर्फ ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, 3 or 4 पॉइंट्स नोट डाउन कर लो भी जो पी आई ओ है उसने विद इन 30 डेज़ अपन इनफॉर्मेशन देनी होंगी है। ठीक है, उस तो बाद अपना ए पी आई ओ को जाना होंगे। बट इन केस की होंगे 30 डेज़ प्लस 15 डेज़ भी ऐडअप हो सकते हैं। वो 15 डेज़ कदों ऐडअप हो सकते हैं भी जेकर पी आई ओ जो उसमें की लग रहा है, ए पी आई ओ जो उसमें की लग रहा है भी हाँ एक सफिशेंट कॉज सी जिस करके कर रहे आर टी अपनी फाइल कर रहे हैं। बट इन केस की है भी जे अपनी इनफॉर्मेशन जी किसी थर्ड पार्टी तो आनी है तो आपको 10 डेज़ एक्सट्रा मिल जाते हैं 30 डेज़ तो। वट इट भी जे अपने किसी थर्ड पार्टी ने डेटा देना तो थर्ड पार्टी के लिए की बन जाते हैं 10 डेज़ एक्सट्रा मिल जाते हैं। तो आप फरदर पढ़ा वन बाय वन, फस्ट आप करा पी आई ओ अंडर सैक्शन 5। सैकेंड पॉइंट इज असिस्टेंट पी आई ओ मस्ट बी डेजिनेटेड एट द सब डिविजनल और सब डिस्ट्रिक्ट लैवल विद एविजिट इफेक्ट बाय पी आई ओ। देखो असिस्टेंट ए पी होंगे किस ना होंगे पी आई ओ के नाल। पी आई यू हैज़ इनिशियल अथॉरिटी टू डिसाइड वैदर डिस्कलोजर ऑफ इनफॉर्मेशन इज इन पब्लिक इंट्रस्ट और नॉट। फिर पी आई यू ने ही देखना है कि जो मैं इनफॉर्मेशन डिस्कलोज कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं वो पब्लिक इंट्रस्ट के है या फिर नहीं है, कि इनफॉर्मेशन तो नहीं मैं प्रोवाइड कर रहा जो एग्जैम्पटड है, एग्जैम्पट लाइक कैबिनेट पेपरस हो गए जो किसी परसन की लाइफ के अगेंस्ट है जो अपने एक नैशनल की सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो इनफॉर्मेशन जो पी आई यू प्रोवाइड नहीं कर सकता होंगे। फोर्थ पॉइंट इज पी आई यू हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड विच पार्ट्स ऑफ रिकॉर्ड कवर्ड बाय द एग्जाम्पशन क्लॉज कुड बी डिस्कलोज टू द एप्लीकेंट। देखो मैं तुम दस्या कि एक फुल डिस्कलोजर है तो एक पार्शल डिस्कलोजर है। फुल डिस्कलोजर की है जो पी आई यू जो फुल इनफॉर्मेशन डिस्कलोज कर देता है जिहड़ा परसन उस कोले आया इनफॉर्मेशन लैन के लिए। बट समटाइम्स वो की कर देता है पार्शल डिस्कलोजर कर देता है। पार्शल डिस्कलोजर उन्होंने केसिस के ही करता है। अपना सैक्शन 8 के एग्जाम्पशन इनफॉर्मेशन कीतियां सी भी ए इनफॉर्मेशन जो आप एक इस सिटीजन है कोई इंडिविजुअल परसन है वो कलैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जां तां किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स के पेपर वगैरह रिलेटेड हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट इनफॉर्मेशन होगी या फिर कोई इदा की इनफॉर्मेशन होगी जी अपनी नैशन की जो अपन डिस्कलोज कर भी दी पी आई ओ ने तो अपने नैशन की वो अगेंस्ट है तो वो इनफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो इस केस के जेकर पी आई ओ लग रहा है कि थोड़ी बहुत इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी सफिशेंट है तो वो पार्शल डिस्कलोज कर देंगे कुछ केसिस के। Then any officer whose assistance has been sought by the PIU for securing information will also be treated as a PIU and it is liable to be punished for not furnishing information in time or for refusing information or giving wrong information. कोई भी कहें officer है जो PIU आई यू के नाल अटैचड है उसनों की किया जाएगा, पनिश किया जाएगा जेकर या तो वह इनफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा या फिर वह इनफॉर्मेशन की कर रहे हैं रोंग इनफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मिसलीडिंग इनफॉर्मेशन जी प्रोवाइड कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्यूटीज़ ऑफ ए पी आई ओ।
PIO should render assistance to those who want या who cannot write an application. कई बार की होंगे देखो इलिटरेट परसनस ना, इलिटरेट परसनस की होंगे ने विजो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो उन्होंने जी हैल्प है वो PIO नहीं कर रहे, फिर उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है खुद फिल करना है, क्योंकि इलिटरेट तो अपने आप सारा कुछ कर ली कर ही सकता है. नैक्सट के ही मस्ट इनफॉर्म द एप्लीकेंट ऑफ द एप्लीट अथॉरिटी हू शुड बी अप्रोच्ड फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन टेकन ऑन द फीस फॉर सप्लाई ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ऑलसो द टाइम लिमिट. हूँ देखो मैं तुम्हें दसिया भी PIO ने की करना होंगे भी विदइन 30 days अपना जो डिसीजन देना होंगे भी इनफॉर्मेशन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा. तो उस तो बाद देखो उसने APIO को पहुँचाना PIO ने, तो वो सारी हैल्प करेगा, सारा प्रोसीजर दसेगा उसनों कि तुम्हारी प्रॉब्लम का मेरे को सोल्यूशन है नहीं, तो हम जी इनफॉर्मेशन APIO की आप कह सकते हैं भी एग्री है या फिर नहीं है, तुम APIO डेटा ले सकते हो. उसने इनफॉर्म करना एप्लीकेंट नूं ते सारा फीस ते सप्लाई ऑफ इनफॉर्मेशन का प्रोसीजर भी दसना है. थर्ड पॉइंट इज गिव इनफॉर्मेशन इन द फॉर्म इन विच इट इज़ रीजनली साउट. वो इनफॉर्मेशन देनी जो रीजनली साउट है. दैन गिव रेटर रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ इनफॉर्मेशन रिक्वेस्ट. PIO ने क्यों नहीं इनफॉर्मेशन दी उसके रीजनस भी अपने वो रिटन फॉर्म के देगा नाल. Then if following a partial accessory shall give notice to the applicant which part will be provided, reasons, name, designation, details of his applicant's right to seek, तो each and everything जी रिटन फॉर्म के उसू देगा जो परसन एक इंडिविजुअल परसन इनफॉर्मेशन कलैक्ट करने के लिए PIO को किया. नैक्सट इज थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन ए चांस टू मेक ए रीप्रजेंटेशन बिफोर द PIO विदइन 10 days ऑफ रिसीविंग नोटिस. मैं तुम दसाया भी जो PIO है उसने आप विदइन 30 days, तो जे किसी थर्ड पार्टी तो इनफॉर्मेशन मिल रहा है तो 10 days एक्सट्रा मिल जाता, तो 30 + 10 इज इक्वल टू 40 days मिल जाते हैं अपन. तो आप नैक्सट क्लास के करा एप्लीकेशन प्रोसीजर. थैंक यू.